गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल की रिसेंट न्यूज़ ये है, जो एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा थी उसकी जो ज्वाइनिंग होने वाली थी उसको रोक दिया गया है और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। पर इन्होंने ये बोला है कि परीक्षा के जो सेंटर है उसका जो रिज़ल्ट है उसको ही सिर्फ जांचा जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूरा जो जाँच है वो सभी टॉपर्स की होनी चाहिए कि उनके इतने मार्क्स कैसे बने, क्योंकि अगर एक भी सीट किसी पढ़ने वाले या जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसकी सीट अगर कोई ऐसा कैंडिडेट ले जाता है जिसने चीटिंग करके पेपर लेके वो पास हुआ है, तो आप सोचो कितना बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि वो कैंडिडेट कितने समय से मेहनत कर रहा होगा। खैर फ़िलहाल एक ही गुड न्यूज़ है, जो वहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मैं उनका नाम अभी बताऊँगा इसमें कि किन्होंने इतनी मेहनत करी है। ये एक टीचर हैं जो है न्यू कौटिल्य अकेडमी के एमपी में, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है न्यू कौटिल्य अकेडमी के नाम से। इन्होंने इस पूरे जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था उसको लीड करा था और एक रैली निकाली वहाँ पर एमपी में, और इस वजह से जो है स्टूडेंट्स को सक्सेस मिली है और उनकी ज्वाइनिंग पर स्टे एक तरीके से वहाँ के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान उन्होंने लगा दिया है। तो ये है, ऐसे टीचर्स को आगे आना चाहिए हर एग्ज़ाम में। अभी हम राजस्थान की वैकेंसी के बारे में बात करें तो जब हाईकोर्ट LDC का केस हुआ तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने स्टूडेंट्स का सपोर्ट ही नहीं करा बिल्कुल भी, और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे इंस्टीट्यूट थे उन्होंने ही सपोर्ट करा। सिमिलरली यहाँ पर जो है इन सर ने ही सपोर्ट करा था, और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बड़े बड़ी कोचिंग चलाते हैं उन्होंने इतना सपोर्ट करा नहीं। पर इनको फिलहाल सक्सेस मिल गई है क्योंकि इन्होंने एक रैली निकाली और उसमें काफ़ी भीड़ थी, तो इस वजह से जो है इनको सक्सेस मिली है। तो ऐसा ही कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स को यूनाइट रहना चाहिए ताकि वो इंजस्टिस के खिलाफ लड़ सकें। अब इसमें अब अगर आप देख लीजिएगा, अगर इनकी जाँच होती है जो टॉपर 7 लोग आए हैं वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है वो फ्रॉड तरीके से ही हुआ है सब कुछ। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है गाइस, तो और इन फ्यूचर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।